मोदी ने अभी शपथ लिया, शपथ ग्रहण बड़ा समारोह हुआ, लेकिन नीतीश कुमार उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, चर्चाएं कई तरीके की हो रही हैं। मैं उनके मन की बात नहीं जानता हूं, जो कि लेकिन विधान संविधान इस भारत की है वो मैं जानता हूं। कोई हर मुख्यमंत्री को आवश्यक है राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में जाना, ऐसा मेरी जानकारी नहीं है। और आप लोग पूछ रहे हैं तो मैं ये भी नहीं समझ रहा हूं कि क्या भारत के सभी मुख्यमंत्री राज्यों के गए हैं या नहीं। यदि सभी लोग गए हैं तो इसके उचित अनुचित की बात, अकेले नहीं गए हैं तो नीतीश जी बुलाए हैं बताएंगे, और कई लोग नहीं गए हैं तो उसमें हो सकता है ये भी शामिल हो। लेकिन संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में हर मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति आवश्यक है, ये मेरी जानकारी में नहीं है। यदि हुआ भी होगा तो संयोग के अवसर नहीं आए होंगे, चर्चा का विषय नहीं बना होगा, इसलिए हम लोग के भी चीज़ों दिमाग में नहीं है। नीतीश जी का जाना ना अनजाना, जाने अनजाने, कमजोर हो, मजबूत हो, ठीक हो, बेठीक हो, उनको भी तो 12.5 करोड़ आबादी की जिम्मेवारी है। बिहार सूखा से ग्रस्त है, हो सकता कि उनका मन में संवेदनशीलता के जो अंश बचे हैं वो बिहार की जनता को जो सूखा में पीड़ित हैं उनके प्रति अधिक उनकी जिम्मेवारी महसूस किए हों और ना गए हों। इसलिए मैं नहीं समझता हूँ इसमें कोई अन्यथा तराशने की चीज़ है, लेकिन सही कारण तो नीतीश जी ही बता सकते हैं। जो संभावना है सुखाड़ परेशानी जो भी तत्काल है बिहार की, उसके लिए हो सकता है पीने का पानी नहीं, खेत सूख रहे हैं। पहली बार इतिहास में शायद वो बंगाल और बिहार का सूखा का हम लोग के पास नहीं है कि कैसा था, लेकिन 67 से 20 गुना बड़ा सूखा है। 67 के सूखे के हम गवाह हैं कि उसमें जा करके बाद में फसल की मैच्योरिटी पीरियड में जब अच्छी पौधे लग गए थे तब सूखा हुआ था और उसमें बहुत फसल लोग बचाए। आज के दिन उससे भी भयानक सूखा, एक तरफ प्रकृति के खिलाफ इस 12.5 करोड़ 13 करोड़ जनता की भूख की लड़ाई, और ऐसे में किसी जलसे में केवल मुख्यमंत्री न जाएं जहां संवैधानिक जिम्मेवारी हो, तो वह संविधान के खिलाफ तो नहीं ही जा सकते हैं। लेकिन क्यों नहीं जा रहे हैं, मैं जो समझता हूं ये होगा, लेकिन और भी बारे में स्पष्ट तो नीतीश जी कर सकते हैं।